यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं, अपनी जो इनकी नई मुंतखब होने वाली असम्बली है उसके लिए अपने जो इनके नए अरकान हैं। इसमें आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि कुल जो रजिस्टर्ड वोट है उनकी तादाद 2,54,000 है, जो कि 3 हल्के हैं, एक बाग़रबी है जिसको धीरकोट भी कहा जाता है, जबकि इसके साथ बाग वस्ती है इसके, और बाग वस्ती के साथ जो है बाग शर्की, ये 3 वोट्स हैं। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से जो हमारी बात हुई थी उन्होंने ये बताया था कि 5 बजे तक जो है पोलिंग जारी रहेगी और उसके बाद जो है वो 10 बजे तक जो है वो रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर मुतवक्का है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर अभी कुछ वोट्स वगैरह डाले जा रहे थे, ये कुछ आप देख रहे हैं कि कुछ जाली वोट पोल हुए हैं ये, बल्कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे अभी हम लाइव चल रहे थे और 3 वोट जो हैं वो एक शख्स जो है वो एक साहब वो 3 वोट जो हैं वो यहाँ पर डाल रहे थे। और यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि ये मीडिया को दिखाया जाए कि एक साहब जो है वो 3 वोट पोल हुए हैं डाल रहे थे। हेलो हाँ जी, ये देखिए ये वो इन्होंने 3 जो हैं वो वोट जो हैं वो जाली जो हैं वो यहाँ पर डाले जा रहे डालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पोलिंग एजेंट्स जो हैं उन्होंने पकड़ लिया। आप बताइए, आप ये वोट डाल रहे थे तो आपने 3 वोट किसने डाले? एक वोट डाल इनको चार वोट किसने डाले? ये आप हमारे से बात कीजिए, हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है। ये अभी आप कैमरे पर थे, आप कैमरे पर थे, आप ऑन कैमरा थे, लेकिन आपने हमारा एक वोट है तो ये 2 वोट किसके थे? ये हमारे नहीं है। आपके हाथ से ये 2 वोट निकले, ये यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, इनसे बात करते हैं कि ये इनके कैसे मुमकिन है कि एक शख्स के पास एक शख्स जो है वो जो 3 वोट डाल दे जबकि उसको 1 वोट देने का हक है। जी ये आपकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ है ये, और मुझे लगता है कि ये जो जाली वोट पोल हो रहे हैं और जिसको मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है। हमारे नाजरीन वोट देखना चाहेंगे, ये जरा दिखाइएगा ये किसको वोट दिया गया है, जरा अगर आप हमें दिखा दें मीडिया पर। ये मीराकपुर को दिया गया, ये हाँ ये कैमरे पर दिखाइए। जी ये जो वोट दिए गए हैं ये हुक्मरान जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो इंतखाबी निशान घोड़ा है और उनके उम्मीदवार मीर अकबर खान हैं उनको जो है वो दी जाएगी। यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स हैं दूसरी सियासी जमातों के जो हमारे से बात करना चाहते हैं। जी बताइए, मैं पीटीवी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आके मौके पे अंजमन ताजरान के